अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू लाइट ऑफ नॉलेज। एमडीकेट बायोलॉजी एमसीक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सेट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। मेथड आपको पता है कि आपने अपने रजिस्टर अपने सामने रखने हैं और जो सही ऑप्शन आपको लगता है आपने वो लिख लेना है रजिस्टर पे, और बाद में बताऊंगा और फिर आपने उसे टैली करके मुझे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना है। सो आई एम स्टार्टिंग द प्रैक्टिस टेस्ट। आई एम प्रोसीडिंग टू एमसीक्यूज नंबर 1। आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट। गोल्जी बॉडीज आर एब्सेंट इन प्रोक्रियोट्स, वायरसेस, एनिमल्स, यूकेरियोट्स। योर काउंट ऑन स्टार्ट्स नाउ। 5, 4, 3, 2, 1। इट्स करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा, प्रोक्रियोट्स। प्रोक्रियोट्स में गोल्जी बॉडीज नहीं होती, जबकि वायरसेस, एनिमल्स, यूकेरियोट्स इन सब में गोल्जी बॉडीज होती हैं। कोरोना वायरस जो रिसेंटली पेंडेमिक है, इसमें भी जो नए वायरसेस की लिपिड मेम्ब्रेन्स बनती हैं वो गोल्जी बॉडीज से बनती हैं। आई एम प्रोसीडिंग टू एमसीक्यूज नंबर 2। आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट। फुल सेल साइकिल इन यीस्ट सेल इज ओनली 15 मिनट्स, 60 मिनट्स, 90 मिनट्स, 30 मिनट्स। योर काउंट ऑन स्टार्ट्स नाउ। 5, 4, 3, 2, 1। द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, डैट इज 90 मिनट्स। एक और इन्फॉर्मेशन कि ह्यूमंस का सेल साइकिल 24 आवर्स का होता है। उनको दो फेसेस में डिवाइड किया गया है, इंटरफेस, दूसरा है माइटोटिक फेस। माइटोटिक फेस 30 मिनट्स का होता है सिर्फ, जबकि इंटरफेस को मजीद 3 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है, G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस। उसमें से जो G1 फेस है वो है 9 आवर्स की, S फेस 10 आवर्स की, G2 फेस 4.5 आवर्स की। तो ये मिला के 23.5 आवर्स बन गए, और माइटोटिक फेस भी मिला के पूरे 24 आवर्स बन गए। तो इस तरह कहा जाता है कि सेल माइटोसिस के लिए प्रिपेयर होने में ही अपना 90% टाइम लगा देता है। आई एम प्रोसीडिंग टू एमसीक्यूज नंबर 3। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज कंसर्न्ड विद सेल सेक्रेशन, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, एटीपी प्रोडक्शन, प्रोटीन प्रोडक्शन। योर काउंट ऑन स्टार्ट्स नाउ। 5, 4, 3, 2, 1। द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा, सेल सेक्रेशन। आई एम प्रोसीडिंग टू एमसीक्यूज नंबर 4। आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट। Who reported the presence of nucleus in cell? Robert Hooke, Robert Brown, Dillmark, Schwann. Your countdown starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Its correct option is beta, Robert Brown. I'm proceeding to MCQs number 5. I'm reading the statement. Fungal cell wall contains peptidoglycan, cutin, chitin, proteins. Your countdown starts now. 5, 4, 3, 2, 1. The correct option is Charlie, that is chitin. Fungal cell wall chitin की बनी होती है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आप सर्च करें और कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
मैं नेक्स्ट जो शुरू करूँगा सेट नंबर 6, उसमें आपको आंसर बता दूँगा इसका कि फंगल सेल वॉल और किन किन चीज़ों की बनी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए आवाज़ में थोड़ी चेंजिंग हो तो सॉरी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।